सर कि अगर कोई रिलीजियस है, कोई अगर नहीं मौलवी है वो या वो है, एक तो वो ड्रिंक दूसरे, नहीं करते होंगे? मौलवी तो बहुत ड्रिंक नहीं करते हैं नहीं हमारे यहाँ। नहीं देखें, इसमें चक्कर ये है कि रिलीजियस आदमी जो है उससे तो आप बात कर सकते हैं, ये जो इमरान खान टाइप के रिलीजियस लोग हैं इससे आप बात नहीं कर सकते। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद जमात इस्लामी पीपल, क्योंकि एक तो सब पढ़े लिखे होते हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट, मैं वोट तो नहीं कर रहा, लेकिन जो भी मुझे जमात इस्लामी इस्लामी जमीत तुलबा का लड़का मिला, उसने एक अदब से बात की, दूसरी चीज उसने एक तो कुफर का इल्जाम नहीं लगाया, दूसरा बात करने के लिए तैयार है वो, और अगर मैं ठीक बात कहता हूँ तो वो ठीक कहते हैं। आई गिव देम क्रेडिट फॉर दैट कि दे उनके यहाँ एक कल्चर ये है कि झूठ बोलने की कम सलाहियत है। मैं उनके साथ, उनको नहीं कहना मैंने ये कहा वरना मुझे कल आ जाएंगे घर पे तारिक भाई। अच्छा, लेकिन लेकिन ये जो नीम हकीम है, ना इन्होंने पढ़ा है इस्लाम को, ना कुछ नहीं पढ़ा ना, हाँ, वो खतरा जान हो गए। ना खतरा। मैं तो एक ही सवाल कहता हूं कि जो प्रॉफिट के दुश्मन थे उन्होंने दमिश्क पे कब्जा करके क्या किया? किसी मुसलमान औरत से शादी नहीं की, पूरी उमय्या डायनेस्टी के बच्चे जो हैं वो ईसाई या पारसी माओ की पैदावार हैं, सिवाय एक अब्दुल अजीज थे शायद तकरीबन। ये ऐसे लोगों के हाथ में इस्लाम गया, उन्होंने कहा इजिप्ट में हम मुसलमान नहीं, बनाना बंद कर दिया हमने, और लोग कह रहे हैं भाई मना लो, मैंने कहा नहीं। लेकिन सर जी, वजह आपको पता है क्या है? कि जजिया खत्म हो जाएगा तो आमदनी कहां से आएगी, जब खुला रास्ता मुसलमान बनने का तो हम ये डायनेस्टी फेल, उसका रेवेन्यू खत्म हो गया। मगर सर अभी अगर हम देखें, अगर मैं आपसे मतलब लास्ट में ये पूछना चाहूंगी कि आप, ये आप कह रहे हैं कि हाँ ये पॉसिबल है कि ये पॉलिटिक्स से बाहर चले जाए। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं एक पार्टी में गई थी और वहां पे काफी हमारे मतलब रिटायर्ड ऑफिसर्स आए हुए थे, बड़ी ड्रिंक श्रिंक चल रही थी, जी जी वो डे लोगों की पार्टी होती ना हाँ जब, वो वाली थी। हाँ तो वहां पे जब मैंने उनसे बात की और मैंने कहा कि ये होना चाहिए और आर्मी को ऐसे होना चाहिए और जो सिविलियन गवर्नमेंट ऐसे होना चाहिए, तो वो एक जो थे वो उस पे फौजी फाउंडेशन के काफी वो बड़ी जगह पे थे, तो वो दूसरे से कहने लगे पी हम रहे चढ़ इसको गई कि ये किस तरह की बात है। पंजाबी में कहा हुआ उन्होंने, क्योंकि ये चीज उर्दू में नहीं कही जा सकती, हंसी रहे हैं तो चाड़ू कितना लाया गया है आपके अब्बा से, नहीं कहा उन्होंने क्या किया, मना किया तो जल्दी शादी करो इसकी। मगर उन्होंने ये जरूर किया कि उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे वो लिस्ट में से मेरा नाम निकाल दिया अच्छा, मेहमानों दावत की नहीं लिस्ट से। आती, अब दावत नहीं आती, उन्होंने कहा इसको तो रहने ही दो, साइड पे करो इसको। नहीं देर तो आर कॉन्ट्रडिक्शंस ना। अब ये नहीं कि किसी और कंट्री में नहीं है, हर सोसाइटी, लेकिन हर सोसाइटी में आप इसराइल को देखिए कि जितना वो नेतन्याहू की सपोर्ट है उतनी नेतन्याहू की ऑपोजिशन है, ये थोड़ी हो रहा है कि सबके सब, कितना 4 इलेक्शन हुए पिछले 5 साल में, वो फिर आ गए नेतन्याहू तो, और अब के बार तो वो एक्सट्रीमिस्ट रेसिस्ट पार्टी के साथ अलायंस बना के है, जो अरबों को ओपनली कर, आप अगर 67 की वॉर के बाद पढ़ें जो अपने मोशे दयान की किताब है, हिज फर्स्ट कंसर्न वाज टू आफ्टर द सीज़फ़ायर वॉर एंडेड के टू गो एंड मीट विद पैलेस्टिनियन विलेजर्स, क्योंकि वो लेफ्ट के थे, जो जिस शख्स की सोच ही है कि इंसाफ हो, ये अमीर गरीब का मसला कम हो, ऑक्यूपेशन ना हो, यू नो ही वेंट एंड मेट, लेकिन हमारे यहाँ कह दिया ये काना दज्जाल है। खैर आप तो पैदा भी नहीं हुई होंगी, बट एवरी वन वॉज स्केर्ड क्या अब रोजे कयामत आ रही है, ये तो मोशे दयान काना दज्जाल आ गया, वी वर टेरिफाइड। फिर उस जमाने में 14वीं सदी आएगी और कयामत आएगी, अरे 1398 के अंदर जो हिजरी में देयर वाज पैनिक, मौलवी कह रहे थे आप 14वीं सदी तो हदीस में है, कयामत आ जाएगी, पैनिक में लोग क्या अब क्या होगा भैया। तो वो रैशनल थिंकिंग
का कोई और कोई मजहब नहीं होता। इतने रुश्द ने हमें सिखा दिया। अगर आप 1600s में होती हैं, आज 17th सेंचुरी में, तो यूरोपियन को ये लगता कि दुनिया में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि मुसलमानों से सीखो। वो इस वजह से था कि रैशनल थिंकर हर जगह मुसलमान होता था, जाहिल सारे जो थे वो यूरोप में रहते थे, यहूदी को मार रहे हैं, विचिस को जला रहे हैं। तभी तो स्पेन के अंदर दुनिया भर का जो नास्तिक था, एथियस्ट था, ईसाई था, यहूदी था, सब वहां के बैठते थे कि यार यहाँ मुसलमानों की हुकूमत है, कुछ सुनाई तो होगी। हाउ इज इट दैट दैट वॉज पॉसिबल इन द 15th सेंचुरी एंड इन द 21st वी कांट इवन प्रिंट अ बुक। पेरिस के अंदर वो कौन सा रिसाला निकला और आपने जला दी 150 आदमी, हर रेफ्यूजी शिप के अंदर मुसलमान बैठा होता। ये जो ब्रिटेन में किश्तियां डूब रही हैं, ये कौन लोग हैं? ये अल्बेनियन है। यूरोप में वाहिद मुस्लिम कंट्री है बॉस्निया के अलावा, और वहां से नंबर वन लोग भागना चाह रहे हैं। तो कोई तो एक तो कोई ऐसा आदमी बैठे ना। हालांकि बॉस्निया के प्रेसिडेंट जो इज्जत बेग थे, उन्होंने इस पर किताब लिखी, हमें हो क्या गया है? जब तक यूगोस्लाविया था, टीटो था, सब ठीक ठाक थे, हमें जरा सी आजादी मिल गई, हमने उठा मारपीट शुरू कर दी। सो वी नीड एन इंट्रोस्पेक्शन दैट वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी। इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, खुली बात करेंगे, तो आपको कोई जनरल नहीं कहेगा कि पीती असी है, नशा एनू चढ़ गया। कितनी गलत बात है। बट एक बात तो आप क्रेडिट देंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तानियों में। बिल्कुल, बहुत। एंड इट इज द ओनली होप यू हैव। आप किसी पाकिस्तानी की पोस्ट सोशल मीडिया पे देखे, हंस हंस के आपकी बुरी हालत हो जाती है। और हम अपने आप पे हंसने की भी मत रखते हैं। तो अगर हम में सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो दैट मींस हमारे यहाँ एक सिविलाइजेशनल वो है, थॉट है, जिसको कल्टीवेट नहीं कर रहे हम। कि हमें ऑल वी नीड इज कि बोले वो हम भूलचोक, भूलचोक को भूलचोक्स कहते थे इंग्लिश में, भूलचोक का आई बड़े लेट मुझे पता चला। मैंने किसी से पूछा ये भूलचोक क्या होता था, मैं कहता कमबख्त भूलचोक। हम समझे इंग्लिश का वर्ड है भूलचोक्स। तो एनीवे, वो रुक के हम सोचें कि ये हम काबिल नहीं हैं कि अल्लाह ने हमें अमीर बनाया हुआ है, कि हमारे पास 2 माली हैं और 3 ड्राइवर हैं, और सुबह जरा गाड़ी में पानी डाल देना, 2 भी ये कर लेना माली। पीपल आर नोन बाय देयर प्रोफेशंस। ये कोई इंसानियत है? माली करके किसी का नाम माली हो सकता है? चौकीदार को बुलाओ, अरे उसका नाम है। नहीं सर, अब तो काफी बदल गए, अब तो नाम क्या, अब तो मतलब नाम के साथ चाचा मामा भी लगाया जाता है रिस्पेक्ट देने के लिए। मुझे 2006 के बाद मैं नहीं गया हूँ पाकिस्तान, और शायद ना भी जाऊं, बट जो हमारी एक सकाफत है उसके अंदर मैंने एक डिफरेंस देखा बिटवीन द अरब्स एंड द पाकिस्तानीज। वो ये था कि हमारा बड़ा एरोगेंट एटीट्यूड होता है काम करने वाले के साथ। जो मेहनती फिजिकल काम करता है उसको बड़े घटिया अंदाज में देखा जाता है, एंड दैट इज वेरी डीपली ट्रबलिंग। वो हमारा काफी चीजें बदली हैं सर, बहुत चीजें बदली हैं लोगों ने, सबको नहीं कह सकती, लेकिन 50% लोग बहुत बदल गए। अरे 10% पे मैं खुश हो जाता। नहीं 50%, क्योंकि मैं मेजॉरिटी जिनसे भी मिली हूँ, मैंने यही देखा है कि भाई नाम के साथ भाई लगा देंगे। अच्छा। चाचा लगा देंगे, मामा लगा देंगे, ऐसे करके। तो इस तरह से बात होती है, then that is one has to be happy about it, but this is what we are supposed to be, क्योंकि you know बड़ी मुश्किल से कॉन्सेप्ट ही पाकिस्तान का ऐसा है कि it is not, it is a federation of nations. बिल्कुल, not just the लैंड ऑफ उर्दू जो बन गया। तो हम तो किसी की जबान की इज्जत नहीं करते, पंजाबी खुद अपनी जबान की इज्जत नहीं करता, तो हम क्या करेंगे।
हाँ पहले तो अपने आप को करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज वेलकम। ज्वाइन किया। थैंक हाँ यू, बहुत अच्छा लगा फौज बात में, करके। फौज नहीं आएगी, ये मेरी एक प्रिडिक्शन है। आनी भी नेक्स्ट नहीं चाहिए सर, अभी आप हो पीछे ना से। हो 10 ईयर्स तक नहीं आएगी, क्योंकि फौज ने से वर्स्ट एग्जाम्पल आया हुआ है। ये गुलाम मोहम्मद वही दौर है कि गोरखाबिस्तान के अंदर हमको डालना जरा गोरखाबिस्तान में डाल और हम बेहतरी की तरफ उम्मीद करते हैं और कोशिश इंशाल्लाह मतलब हम जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच। ओके थैंक चलिए खुदा। यू।